गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं ये वन्दे श्रीगुरवे नमः भेजे हुए प्रश्न पहले लेते अंजलि का प्रश्न है जब से आपने भस्त्री का प्राणायाम करवाया है तब से रोज ही घर करती हूँ बहुत अच्छा लगता है आपने 25 बार के तीन साइकिल कराए थे क्या हम इसे बढ़ा सकते हैं मेरा श्वास बहुत धीमा हो जाता है और कभी थोड़ी मुश्किल से धीरे धीरे ठीक होता है मन बहुत शांत है और यह प्राणायाम हम कितने दिन तक कर सकते हैं और क्या इसी के साथ नारी शोधन भी कर सकते हैं वास्तविक प्राणायाम बहुत पावरफुल प्राणायाम है और वास्त्रिका में हम अपने शरीर की अग्नि को बढ़ा रहे हैं हर प्राणायाम का एक उपयोग एक ऑब्जेक्टिव होता है किस लिए कर रहे हैं तो ये <laughs> जब कई बार कुछ लोग बोलते हैं ना कि सारे प्राणायाम एक साथ करो तो ये इतना अनसाइंटिफिक है इतना इलॉजिकल है ये तो ऐसे हुआ आग भी जलाओ पानी भी डाल दो फिर धुआं भी दिखा दो है फिर उस पर गीला कपड़ा भी डाल दो फिर उसको बुझा भी दो मतलब तुम करना क्या चाह रहे हो प्राणायाम का एक ऑब्जेक्टिव होता है शरीर में ऊर्जा को अग्नि को बढ़ाना चाहते हैं तो वस्त्र की तरह आपका जो फेफड़ा है वो चलना चाहिए वस्त्र मतलब एक चमड़े का बैग होता था जो लोहार इस्तेमाल करते थे जब वो पंप करते थे तो उसमें क्या है हवा भरती है तो वो फैलता है और फिर सिकुड़ता है फैलता है सिकुड़ता है तो इस प्रोसेस से वो अपनी भट्टी में आग जलाता था और उसको कितना तेज़ करना है उसको कितने पंपिंग की ज़रूरत है उस मुताबिक वो अपने बसरे को चलाता था Uh, पुराना सिस्टम था ये अभी आजकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हो गए हैं तो अब वो रसीनी खींचनी पड़ती पर वो उसको इलेक्ट्रॉनिकली टाइम अप कर देते हैं पर उस बसरे की तरह तुम्हारे लंग्स चलने चाहिए और तुम्हारा डायफ्राम का मूवमेंट भी उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए अब इसमें हम अपने प्राण ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं फेफड़ों की शक्ति को बढ़ा रहे हैं शरीर में गर्माई आ जाएगी और उसके बाद की जो एक प्रोसेस है वो हर एक साइकिल के बाद जो हम कराते हैं वो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो क्या है मैं यहाँ नहीं बताऊँगी क्योंकि जैसे दूसरे लोगों से आप इंटरनेट से सीख के प्राणायाम करो मैं उसे गलत मानती हूँ ऐसे ही मेरा ही कोई सुन के गलत करेगा तो वो भी गलत ही हो जाएगा इसलिए जब सन्मुख बैठते हैं तब वो चीज़ें यहीं पे कराएंगे उसकी डिटेलिंग जो है प्रोसेस की लोगों की जितनी बुद्धि ना उतनी ही बात समझते हैं और फिर कई बार बुद्धि इतनी कम होती है तो कुछ का कुछ समझते हैं और फिर गलत करते हैं और फिर वो दोष देते हैं कि जी आपने ऐसा सिखाया था और हैरानी होती कि ऐसा ऐसा कब कहा करने के लिए खैर तो जिस प्रोसेस से हम यहाँ आश्रम में वस्त्रिका करने को सिखाते हैं उसको आपने पूछा कितने दिन तक कर सकते हैं भाई जब तक ज़रूरत लगे तब तक करो आजीवन करो क्या दिक्कत और क्या साथ में शोधन? उसकी ज़रूरत क्या है शोधन का ऑब्जेक्टिव क्या है अंजलि मैं चाहूँगी आप ईमेल के जरिए मेरे को खबर दीजिए पहले समझ तो लगे ना तुम्हें क्या समझ लगी फिलहाल के लिए ये कह रही हूं कि जब बस्तरी का करें तब कुछ और की आवश्यकता तो बिल्कुल नहीं है दर्शन रस्तोगी आई एम कन्विंस दैट आई एम नॉट द बॉडी बट स्टिल वाई डू आई फील मिजरेबल इन पेन वाई डू आई फील गुड और बैड वेन समन चीट्स वॉन्ट टू नो हु इज एक्सपीरियंसिंग इट यू आर प्रिटी कन्फ्यूज माई डियर दर्शन Because here you are saying, I am pretty convinced that I am not body, but then you say, Why do I feel miserable? Who feels miserable? Body doesn't. Body is in not. Body doesn't feel misery or pain. And Atma doesn't feel any pain, and you are feeling pain and misery.

तब उस समय पर यही हालत हो रही होती जो आप लिख रहे हैं बहुत लोग हैं ऐसे कि हम आत्मा हैं हम तो आत्मा हैं फिर हमें दुख क्यों होता है ये hmm. अभी दो महीने का जो आत्मचिंतन कार्यक्रम था इसमें प्रवेश जिनको दे दिया था उनको भी हमने एक परीक्षा से एग्जाम से गुजारा था आ, कम से कम नहीं तो कोई बीस लोग थे जिनको हमने एक बार तो बाहर निकाल दिया था भाई तुम्हारे समझ की बात ये है नहीं फिर ये लगा कि मन है ना बहुत पागल है मन को ये याद रह जाएगा कि गुरुजी ने बाहर निकाल दिया था ये याद नहीं रहेगा कि तुम नालायक थे अपनी नालायक ही नहीं दिखती है कभी हाँ ना वो नहीं समझ आती गुरुजी ने निकाल दिया था फिर यह भी संभव होता है कि मन में अश्रद्धा आ जाए फिर यह भी संभव है कि रहने दो सुन नहीं क्यों है तो इतना ही दिमाग खराब हो जाए किसी का तो उससे रक्षा भी करनी पड़ेगी तो मैंने कहा कोई नहीं बैठ जाओ क्योंकि जब बैठ के समझ नहीं लगी तो बाहर जाके क्या समझ लग जाएगी और वापस बैठा लूंगी तो भी क्या समझ लग जाएगी तो वो बैठ तो गए बट मेरे लिए डोंट इवन एग्जिस्ट कुछ देर नॉट अंडरस्टैंडिंग देर नॉट रेडी पर उनका ईगो इतना बड़ा होता है कि वो ये मान के राजी नहीं है कि अभी उनको समझ नहीं आई है अब हम क्या करें बैठ के पहले तुम्हारा अहंकार तोड़े तोड़े तो तुम मर जाते हो और नहीं तोड़े तो यात्रा तो आगे कहा क्या हो सकेगी ना नहीं हो सकेगी इसलिए ये कृपया इस बात को समझे मैं देह नहीं हूं इतना सुन लेना आत्मज्ञान हो जाना नहीं होता है मैं आत्मा सच्चिदानंद हूं इतना सुन लेना आत्मज्ञान नहीं होता है वो किसी माइलस्टोन पे पर लिखा हो लखनऊ चार सौ पिचासी किलोमीटर वो माइलस्टोन को देख लेना लखनऊ पहुंच जाना नहीं होता है तो अगर माइलस्टोन स्टोन पढ़ लेना उस शहर में चले जाना नहीं है तो ज्ञान का सुन लेना ज्ञान का हो जाना कैसे हो गया तो बहुत जल्दी ना किया करो बहुत जल्दी ना किया करो सीधी सी बात यह है कि ज्ञान हुए या नहीं हुए का लक्षण हम कैसे जानते हैं कैसे जानेंगे कि इसको हो गया इसको नहीं हो गया सवाल यह है कि क्या बंदे का जो चित्त है वो विश्रांति में है नहीं है अब आपके पत्र से तो दिख रहा है कहीं भी विश्राम तो मन में है नहीं कोई कोई मेरे से धोखा दे तो मुझे गुस्सा आता है ये भगवान का ये उपदेश निकाल रही हूं मैं असंयत योगो दुष्प्राप इति में मती ही जिसका मन असंयत है उसको योग प्राप्त होना मुश्किल है चैप्टर क्लोज अब आप अपने आप से प्रश्न पूछिए क्या आपका मन संयत है मन संयत होता तो मिजरेबल ही ना होते जरा सी बात पे खुश हो गए जरा सी बात पे दुखी हो गए उसको हम संयमित कैसे कहेंगे किसी ने जरा तारीफ कर दी तो फूल के कुप्पा हो गए किसी ने थोड़ा कड़वा कह दिया या क्रिटिसाइज कर दिया तो तन बदन में आग लग जाए ऐसा बंदा क्या कह सकता है मैं संयत हूँ और जिसका मन संयत नहीं है उसको यह ज्ञान योग मुश्किल है दुष्प्राप 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 का मतलब क्या प्राप्त तो होना जो कठिन हो उसे हम दुष्प्राप कहते हैं that which can be attained with great great difficulty sanskrit word is dushpra so if your mind is not in discipline then forget about becoming a yogi you don't become a yogi by doing certain asanas you don't become a yogi by doing pranayama you don't become a yogi by wearing a t-shirt which says i am a yogi you don't become a yogi by living in rishikesh uh, you don't become a yogi by any external change of attire or name or you become a yogi only then when your mind is disciplined. If mind is not disciplined, please don't call yourself a yogi. These days you pay for 200 hours, 400 hours, get a course done, and you are certified. The Certificate is given, you are a yogi now. वेल यू पे टू लैक रुपीज इन गेट अटिफिकेट दैव एनी स्टैंडिंग एट ऑल इन दू वर्ल्ड ऑफ योगली नॉट ये तो ऐसे हो गया एक बच्चा गांव का एक बच्चा घर आया और माँ को कहता मम्मी मैं फर्स्ट आया माँ को बड़ी हैरानी खुशी भी हुई हैरानी भी फर्स्ट आ गए क्योंकि उसको पता था क्या नमूना पैदा किया है उसने बोले फर्स्ट आया आ, कितने बच्चे हैं क्लास में बोले एक मैं ही हूं मेरी क्लास में सिर्फ एक मैं ही हूं अब फर्स्ट आया क्या इसका अब क्या प्राइस बनेगा बोलो असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति में मति अपनी बुद्धि में अपने भगवान कह रहे मेरी मति में यह है मे मति मेरी समझ ये है अब आपकी समझ श्री कृष्ण से ज्यादा है तो आपको बहुत बहुत नमस्कार है फिर तो श्री कृष्ण कहते वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप तुम उपायता जो व्यक्ति यतन करते हैं उपाय करते हैं इस मन को संयत करने के यतत माने बराबर यत्न करते रहे ऐसे नहीं आज किया कल छोड़ दिया फिर किया फिर छोड़ दिया फिर नहीं ना ऐसा जो बराबर इसका यत्न करता है वश्यात्म उनका मन उनके वश में आ जाएगा और फिर अब आप तुम फिर साधक को योग की प्राप्ति हो जाएगी इति में मती ऐसा भगवान कहते मेरी मति में ऐसा है तो बात समझने की हो गई ना जो असंयत है उस दुखी वो हमेशा रहेगा ही एक तो उसकी मैं बड़ी होती है हर जगह में उसकी मैं घुसी रहती मुझे पूछो मुझे बुलाओ मुझे पूछो मुझे बुलाओ मुझे इज्जत दो ऐसा आदमी जो ना द पर्सन हु लव्स वन सेल्फ टू मच You can't remain happy because you will be always offended by this or that, by this uh, situation and by that situation. It's not that somebody is offending you. The thing is, you are on the mode which I can call offensive mode. I am always ready to be offended. Ek मैंने कहा इतनी शक्ल बुरी क्यों बनाई हुई कुछ आज खास बात हो गई है कहते नहीं नहीं ही ऐसी होती है मैंने इतनी बुरी शक्ल का बनाई है लुटी हुई बरात बन के क्यों बैठे हुए हो कोई ख़ास बात हो गई बोले नहीं रोज ही ऐसी होती मेरी तो शक्ल ही ऐसी मैं अफसोस है फिर तो तुम्हारी जिंदगी बस तुम ऐसी जिंदगी जी रहे हो जिसमें तुम्हारी शक्ल देख के लगे कि परेशान है कुछ तो होना चाहिए ना जीवन में जो तुम्हें मुस्कुराने पे मजबूर कर दे कुछ तो होना चाहिए ना जीवन में जिसकी वजह से तुम नाचने लग जाओ कुछ तो होना चाहिए ना तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारे को मस्त करके रखे आ ऐसा कुछ है ही नहीं है फिर भाई साहब जी क्यों रहे हो मतलब वह हमें ऐसा लगता था ऐसा हमने सुना था कि जो पशु होते हैं ना वो हंसते नहीं है खाली मनुष्य हंसते हैं लेकिन मैंने बड़े नजदीक से पशुओं को भी देखा महाराज वो भी हंसते हैं बिल्कुल हंसते हैं। और गुस्सा भी खाते हैं, उदास भी होते दोनों काम है अब फिर सोचती थी मैं ऐसा सुना था ऐसा पढ़ा था कि जानवर नाचते नहीं है लेकिन उस दिन हम तो देख के हैरान हो गए कुत्ता बिल्कुल बीट पे नाच रहा था उसका मालिक नाच रहा है तो वो भी नाच रहा है ये कैसे हो गया आदमी की लत लग गई कुत्ते को भी वो भी आदमी जैसे बिहेव करता है आप अगर खिन्न होते हैं अब आपको ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिससे खिन्नता होती है चीज़ें तो हमेशा होंगी